सदर तहसील संग्रह अमीन ने एकजुटता दिखाते हुए निर्विरोध चुनाव कराकर उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ द्विवार्षिक चुनाव को संपन्न कराया। आपको बता दें, संग्रह अमीन निर्वाचन अधिकारी वशिष्ठ सिंह व सहायक निर्वाचन अधिकारी अमरीश त्रिपाठी ने चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि जिस पर वरिष्ठ संग्रह अमीन आशीष शाही व जिला मंत्री दीपचंद पांडे ने निर्विरोध चुनाव कराने के लिए सभी सदस्यों से अनुरोध किया, जिस पर सभी सदस्यों ने एकजुटता दिखाते हुए संग्रह अमीन योगेंद्र प्रसाद चौबे को अध्यक्ष, सहतु प्रसाद उपाध्यक्ष, सुरेंद्र तिवारी मंत्री, चंद्र प्रकाश यादव संगठन मंत्री, मस्तराम सिंह और लक्ष्मीकांत त्रिपाठी को कोषाध्यक्ष सर्वसम्मति से निर्वाचित किया, जिसमें संग्रह अमीन योगेंद्र प्रसाद चौबे को 5वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष पद पर चुना गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अध्यक्ष संग्रह अमीन योगेंद्र प्रसाद चौबे ने कहा, योगेन चौबे तहसील सदर, उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ तहसील सदर इकाई का आज चुनाव हुआ है, जिसमें 35 की संख्या में लोग चुनाव सदस्य हैं और निर्विरोध आज चुनाव निर्वाचित हुआ है। सभी सदस्यों ने निर्विरोध के रूप में मुझे योगेन चौबे को अध्यक्ष के रूप में, सुरेंद्र तिवारी को मंत्री के रूप में, उपाध्यक्ष में श्री सातु प्रसाद को, संगठन मंत्री में श्री चंद प्रकाश को, उप मंत्री में श्री मस्तराम सिंह जी को और कोषाध्यक्ष में श्री लक्ष्मीकांत तिवारी को निर्विरोध निर्वाचित किया है। आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सदस्यों के हित के लिए सदैव लड़ाई लड़ना और सदस्यों का कहीं भी अहित न हो, इसके लिए मैं सदैव कटिबद्ध रहूंगा और उच्चाधिकारियों से इनकी लड़ाई सदैव लड़ता रहूंगा।